बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में
तनावपुर माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं
उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री
की कहानी है जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं।
सुमंता शिंदे और प्रतीक लाड़ के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड़ और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड़ के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड़ और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड़ के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है।
गायक अवधू गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्मों में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अवधू गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्मों में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अवधू गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्मों में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक
मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था।
दो साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। दो साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। दो साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है,
जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है,
जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं।
सुमंता शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है।
गायक अवधु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अवधु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अवधु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है
जो विशाल देव देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है, जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है, जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था।
दो साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। दो साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। दो साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है।
उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में
सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है।
वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक
अवधुगुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्मों में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अवधुगुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्मों में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अवधुगुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्मों में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल
देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है, जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है, जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल
में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है।
उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में
सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और रितिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और रितिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और रितिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है।
वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था
और फिल्मों में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयस टू नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव
सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है, जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है, जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ बालिक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव
सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अवधु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अवधु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अवधु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीक्वल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है, जिसे उनकी मां ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं, उनकी मां हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है।
उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया। बॉयज 2017 की एक मराठी फिल्म है जो विशाल देव सुखकर द्वारा निर्देशित है, जिसे लाल साहब शिंदे और राजेंद्र शिंदे द्वारा निर्मित किया गया है। गायक अतु गुप्ते द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और फिल्म में सुमंत शिंदे, पार्थ भालेक राव, प्रतीक लाड और ऋतिका श्रोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुमंत शिंदे और प्रतीक लाड के लिए अन्य अभिनय की शुरुआत है। वॉयज 2 नामक एक सीरियल 5 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। यह कबीर गायत्री की कहानी है जिसे उनकी माँ ने अकेले ही पाला है। वह अपने पिता के बारे में सवालों का सामना करते करते थक गया। कबीर के पिता एक विषय पर जब भी बात करते हैं उनकी माँ हर समय चर्चा से दूर रहती है, जो अब दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर चुकी है। उनके बीच एकमात्र संचार धागा कबीर की चाची राधिका है। घर में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए उसकी माँ और चाची ने कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। 2 साल बाद कबीर स्कूल में बस गया और हर संभव सफलता हासिल की और जो प्राप्त हो सके वह प्राप्त किया।